Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and today we are doing example number 9 of chapter number 2 polynomial. So chaliye start karte hain. Factorize this polynomial by using the factor theorem. Factor theorem ka last video mein bhi humne ek question solve kiya tha, theek hai, aur yahan pe bhi solve kar rahe hain. To aapko factor theorem acche se iske regarding jo bhi questions hoenge aap usko kar paoge, theek hai. To dekhiye isko kaise solve karna hai. हमने किया था कि जब भी हमारे पास यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है तो इसका जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसको उसका कोएफिशिएंट हमें 1 बनाना है. तो इसमें ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है, वाई स्क्वायर है और इसका कोएफिशिएंट 1 है. तो हमें यहाँ पे कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. ओके तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन सही फॉर्म में है, ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कॉन्स्टेंट टर्म इन दिस पॉलिनॉमियल इक्वेशन, इट्स अ 6, ठीक है. तो अब हमें a और b, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे. तो a b की वैल्यू हमें लेनी है कि उनका मल्टीप्लीकेशन करने पे या प्रोडक्ट उनका क्या हो, 6 हो, ठीक है. तो हम इसको 6 का एलसीएम लेके फैक्टराइज भी कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो 2 3 6 3 1, ठीक है. तो 1 3 2 ये इसके फैक्टर्स हैं. ओके सो इट कैन बी +2 -2 +3 -3 +1 -1. तो हमें इन वैल्यूज पे यूजिंग द ट्रायल मेथड ट्राई करना है कि इनमें कौन सी दो वैल्यूज इसके अंदर हम पुट करें और रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, 0 आए, ठीक है. तो वन बाय वन हम वैल्यूज को पुट करके देखेंगे. अगर p की वैल्यू हम 1 लें, ठीक है, x की वैल्यू हम y है यहाँ पे, तो y की वैल्यू अगर हम 1 लें तो लेट्स ट्राई 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6 1 - 5 + 6 इट बिकम्स -4 + 6 सो इट्स अ 2. तो 1 पे वैल्यू हमारी 0 नहीं आ रही है तो 1 इसका फैक्टर नहीं है. नाउ लेट्स ट्राई फॉर द -1. पी की वैल्यू -1 - 1 का स्क्वायर इज 1 -5 × -1 + 6 1 - यहाँ पे प्लस हो जाएगा +5 + 6 तो अगेन इट बिकम 6 + 5 = 11 + 1 = 12. तो ये -1 भी इसका फैक्टर नहीं है. नाउ लेट्स ट्राई फॉर द 2 वैल्यू, y की वैल्यू 2. सो p2 = 2 का स्क्वायर - 5 × 2 + 6 4 - 10 + 6 6 + 4 = 10 - 10 = 0. तो हमारे पास कौन सी वैल्यू एक आ गई जिसपे रिजल्ट 0 आ रहा है, इट्स अ 2. इट मीन्स 2 इस इक्वेशन का फैक्टर है. सो वी गॉट y = 2, राइट. नाउ लेट्स ट्राई फॉर -2. p - 2 - 2 का स्क्वायर - 5 × -2 + 6 4 + 10 + 6 तो ये भी 0 नहीं है. नाउ फॉर p - 3, सो -3 का स्क्वायर इज 9. ओके पूरा लिख लेते हैं, -3 का स्क्वायर - 5 × -3 + 6 9 + 15 + 6 तो ये भी 0 नहीं है. लास्ट रह गया है p की वैल्यू 3. सो 3 का स्क्वायर - 5 × 3 + 6 9 - 15 + 6 सो 9 + 6 = 15 - 15 = 0. तो देखिए कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास आई है. एक तो है वाई की वैल्यू 2 जिसपे वैल्यू 0 आ रही है, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है या इसका फैक्टर है. एंड सेकेंड इज y = 3. ओके सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, y - 2 = 0 एंड y - 3 = 0. सो इट मीन्स दीज आर द फैक्टर्स. तो यहाँ पे हम लिख देंगे y - 2 y - 3 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इक्वेशन, राइट. ओके नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 10, अगेन फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.